स्टूडेंट, जैसा कि बेटा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कृतिका के चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी। तो इसके पहले जो हमने आपको वीडियो भेजा था उसमें बताया था कि गोपाल प्रसाद और शंकर उमा राम स्वरूप की बेटी उमा को देखने आते हैं और नाश्ता वगैरह होने के बाद जब उमा पान की तस्तरी लेकर आती है तो आइए देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। कि जब उमा गोपाल प्रसाद और शंकर के सामने पान की तस्तरी लेकर आती है तो आइए देखते हैं। पान की तस्तरी हाथ में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े गर्दन झुकी हुई बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। यानी जब उमा उस कमरे में प्रवेश करती है तो गोपाल प्रसाद उन्हें देख रहे थे और शंकर छुपी नज़रों से देख रहा था। राम स्वरूप, हाँ हाँ यही है, हाँ हाँ आपकी लड़की, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं क्योंकि उमा चश्मा लगाती थी और उनके चश्मे को देखकर बेटा राम गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा राम स्वरूप जरा सपका कर। जी हाँ, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी गई थी सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई व लुखाई की वजह से तो नहीं है? मतलब गोपाल प्रसाद जानना चाहते हैं जो चश्मा लगा है आँख में कोई प्रॉब्लम है इसलिए लगी है या पढ़ाई के कारण लगी हुई है। राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहाँ बैठ जाओ। उमा उस तख्त पर अपने बाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद जानना चाहते हैं उमा से कि गाना वगैरह उसको आता है या नहीं। राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी सुनाओ। तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है, थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, उसके स्वर में तालीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपटी सी आंखों से मिल जाती है और जब वहाँ उमा बैठती है तो लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं और गाने के बारे में पूछते हैं। तो राम स्वरूप कहते, बेटा एक गाना सुना दो। और इसीलिए उमा ने गाना गाया। कौन सा गाना गाया? मैंने आपको बताया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये गीत सुनाते हैं। और गीत गाते गाते उमा की नज़र शंकर पर पड़ती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है क्योंकि जैसे शंकर को देखती है उसकी आवाज़ बंद हो जाती है क्योंकि वो शंकर को पहले से ही जानती थी। कैसे जानती थी, आइए देखते हैं इसके बारे में। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। जब उमा गाते गाते रुक जाती है तो उनके पिता राम स्वरूप कहते, बेटा गाना गाते गाते तुम क्यों रुक गई, गाने को पूरा करो। लेकिन गोपाल प्रसाद मना करते, नहीं साहब ये काफ़ी है, लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठे रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी की, मतलब पूछना चाहते हैं कि पेंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि पेंटिंग तुमने पेंटिंग वेंटिंग तुम्हें आती है या नहीं।
गोपाल प्रसाद पूछते हैं, उमा चुप रहती है। रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ हाँ गोपाल प्रसाद, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप, राम स्वरूप इशारे के लिए खासते हैं, लेकिन उमा चुप है, इसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं, यानी गोपाल प्रसाद एक के बाद एक प्रश्न पूछते रहते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या तुमने कोई इनाम वगैरह भी जीता है? लेकिन उसके बाद भी उमा सिर झुकाए नीचे बैठी हुई है। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने, मतलब वो बताना चाहते कि इनाम इसने जीता है या नहीं। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलने दीजिए, यानी रामस्वरूप अपनी बेटी के बारे में बताना चाहते थे कि उसने इनाम जीता है कि नहीं, लेकिन गोपाल प्रसाद थोड़ा रूखे शब्दों में कहते हैं कि आप इसका जवाब मत दीजिए, उमा को ही इसका जवाब देने दीजिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना, यानी गोपाल प्रसाद जो पूछ रहे हैं रामस्वरूप कहते हैं उसका उत्तर देने के लिए। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना। रामस्वरूप चौंककर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा, यानी गोपाल प्रसाद जो प्रश्न पूछ रहे हैं रामस्वरूप जब उसका उत्तर देने के लिए कहते हैं तो उमा थोड़ा सा गुस्से में अपनी आवाज़ को निकालती है कि अगर कोई वस्तु कोई लेने जाता है तो उसे सिर्फ देख लेता है और अगर उसे पसंद आता तो ले लेता है, उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा। तो उमा वही कहना चाहती है, क्या वो वस्तु से भी बेकार है कि जो इतना उससे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है? ओके उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर, यानी उमा थोड़ा कठोर स्वर में बोलती है कि जो इस तरह से लड़कियों से प्रश्न किया जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा बेटा कि आम घरों में ऐसा ही होता है कि जब कोई लड़की देखने जाता है तो इस तरह से प्रश्न करता है कि लड़की कितना पड़ी है, क्या आता है क्या नहीं आता है वगैरह वगैरह प्रश्न पूछती है, तो इस बात से उमा को दुख होता है और उमा ने इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करती है। गोपाल प्रसाद, तव में आकर, बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था, क्योंकि गोपाल प्रसाद को ये बातें बुरी लगी, जाहिर सी बातें हर किसी को ये बातें, इस तरह की बातें सुनने के बाद बुरी लगेगी। उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, और ज़रा अपने इन साहब ज़्यादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भाग गए थे, यानी उमा को बताना चाहती है कि उनकी समाज में क्या लड़कियों की इज्जत नहीं होती है जो इस तरह से लड़कियों के बारे में पूछताछ की जाती है, और शंकर के लिए कहती है कि पिछले साल ये फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भाग निकले। तो आइए इसके आगे देखते हैं कि जो शंकर हैं वो लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से क्यों भागे थे, तो देखते हैं। आइए बेटा हम लोग इसके आगे रीडिंग
शंकर, बाबूजी चलिए। और शंकर को पता चल गया कि उमा उसे जानती है और उसकी कहीं पोल ना खोल दे, इसलिए वो अपने पिता गोपाल प्रसाद से कहता है कि यहाँ से चलने के लिए। गोपाल प्रसाद लड़कियों के हॉस्टल में, क्योंकि जो उमा ने वाक्य बोला उसमें, जब उन्होंने लड़कियों के हॉस्टल बोला तो उस बात को उसने पकड़ लिया और वो जानना चाहता था कि लड़कियों के हॉस्टल में तब क्या मतलब, वो जानना चाहता कि तुम्हें कैसे पता कि वो लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहा था। क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भाग गए थे। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू। रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, आपकी लड़की BA पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ, बेतुट ढूंढ कर उठाते हैं। BA पास, उफ गजब हो जाता, झूठ का भी कोई ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। और जैसे ही उमा ये बताती है कि वो BA पास है, उन्हें थोड़ा सा झटका लगता है, उन्हें लगा कि रामस्वरूप उन्हें धोखा दे रहे हैं और वो लोग उठकर वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, ज़रूर जाइए, चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन, गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उनके लड़के के हुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, यानी गोपाल प्रसाद और शंकर बड़े उदास होकर चले जाते, क्योंकि उनकी उनके बेटे झुक कर चलते हैं तो ऐसा लग रहा था कि उनकी हड्डी है भी या नहीं। और इस तरह से उनके चले जाने के बाद गोपाल प्रसाद बहुत उदास हो जाता और धम से बैठता, भी घबराहट में प्रेमा बाहर वहाँ पर पहुँचती है। प्रेमा, उमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। यानी हमने आपको पहले बताया था बेटा कि यहाँ पर एक पारिवारिक कहानी की तरह दर्शाया है इस कहानी को, और आपने देखा कि किस तरह गोपाल प्रसाद और शंकर उमा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उमा ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया है। तो इस कहानी का हमने आपको पहले बताया था कि जो उद्देश्य है वो स्त्रियों की शिक्षा, लड़कियों का मान सम्मान और लड़कियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाया है, दर्शाया है कि हमें लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और लड़कियां जो होती हैं वो हमारे देश की भी, हमारे देश के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हम लड़कों को देते हैं। और सबसे बड़ी बात है हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां ही कभी कभी हमारे देश की माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, किसी न किसी रूप में हमें ये प्राप्त होती रहती हैं। तो इसलिए हमें इनके मान सम्मान को दिलाने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे हमें नारी को शिक्षा को दिलाने में सहयोग कर सकते हैं हम, मतलब बताना चाहते हैं कि हम नारी की जो सम्मान बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उन्हें समाज में पुरुषों के समान अधिकार दिलाने में सहायता कर सकते हैं, सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं, संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को समझा बुझाकर नारी के गरिमा और सम्मान अधिकार को दिला सकते हैं, कम पढ़ी लिखी बहू लाने वाले को समझा कर सही रास्ते पर ला सकते हैं। ऐसे बहुत से प्रयास हम लोग कर सकते हैं इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। यानी हमें उमा जैसी लड़की की आवश्यकता है अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि शंकर जैसे लड़के को
लड़का चाहिए इस समाज के लिए जो इस समाज में महिलाओं का इतना अपमान करता हो और कम पढ़ी लिखी चाहता हो, और ऐसी लड़की चाहता है जो घर को सिर्फ संभाल सके और उनके मान सम्मान, उनके किसी भी बातों का ध्यान में न रखना। तो हमने आपको बताया था कि बेटा इस कहानी का उद्देश्य क्या है। इस कहानी का जो उद्देश्य है वो है स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। जिनकी सोच स्त्री शिक्षा को लेकर संकुचित है उन्हें स्त्री शिक्षा को महत्व को बताना, समाज में स्त्रियों को समान अधिकार और सम्मान दिलाना ही एकांकी का मेन उद्देश्य है। तो ये बेटा ये कहानी यहीं पे समाप्त होता है और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको इस कहानी के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे, यानी हम आपको इस कहानी का प्रश्न उत्तर बताएंगे और प्रश्न उत्तर डिस्कस करने के बाद हम इसका पीडीएफ बनाकर आप लोगों को सेंड कर देंगे। ओके, और आप लोग इस कहानी को ध्यान से पढ़िएगा और सारे वीडियो, यानी हमने जितने भी इस चैप्टर के वीडियो आपको सेंड किए हैं, जब ये आप आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, पूरी वीडियो एक साथ जब सुनेंगे तो आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, यानी आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।